हर जिले की रैंकिंग होती है तो समस्या सब जिले में समान होती है, उसमें हम कोई एक कारण बता दें कि इस कारण हम पीछे रह गए, ये मुझे बहुत जायज नहीं लगता। इसको गंभीरता से देखें, सीएम हेल्पलाइन लोगों का विश्वास है, फटाफट समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, हर योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन चाहिए, हम लोग हैं ही इसलिए, और प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, विधायक भी बैठे हैं, ये समीक्षा महीने में एक बार करें पूरी कि किस चीज के कितने लक्ष्य हमारे तय थे, कितने हम प्राप्त कर रहे हैं, कहीं अगर गड़बड़ियों की शिकायत है तो किसी भी हालत में गड़बड़ करने वाले को नहीं छोड़ना है, कोई भी हो उसको तो बिल्कुल क्रस कर दें, सीधे चीजें जनता तक पहुंचनी चाहिए, उसमें कोई बाधा है तो उस बाधा को खत्म करें, दूर करें, और लैंड ऑर्डर में अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, छोड़ना नहीं है किसी को, हम बनना बहुत अच्छा जिला है, बहुत अच्छे लोग हैं, कैसे और तेज गति से विकास के पथ पर आगे बढ़े और जन कल्याण की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हम करें उसको तेजी से, और सबको एक्टिव रहना, अकेले कलेक्टर को नहीं, जितने डिपार्टमेंट्स के अलग अलग अफसर हैं उनको पूरी क्षमता के साथ काम करना है। कुछ चीज़ें बताई है ब्रजेंद्र जी ने, बताई है पवई विधायक जी ने, बताई है पेयजल की और बाकी, उन पर यहाँ गंभीरता से बात करके उसको तेजी से आगे बढ़ाते हैं। वैसे जल जीवन मिशन ठीक से इम्प्लीमेंट तेजी से हम करेंगे तो ये पेयजल की समस्या से पार पा लेंगे।